राम राम सारे भाइयों ने, मैं फिर मनीष आपका स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो फिर आज के थंबनेल को देख के आपको मार्केट के बारे में पता चला होगा कि हम इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। देखो वैसे तो मार्केट में मतलब कि मैं यूट्यूब पर तो नहीं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा स्केड्यूल बिजी है, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो हमारा एक वर्ड निकल के आ रहा है मार्केट में, SMC। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अब इसको फोरेक्स में तो बहुत टाइम से इसका यूज भी हो रहा है, लोग बाग काम भी कर रहे हैं, बट अपने इंडियन में थोड़ा ये अब नया आया है तो लोग बाग इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे लोग बाग बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं कि हम ये वाला कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हमको सारा पैसा बनने लग जाएगा, ये सारी चीजें करने लग रहे हैं। तो मैं आज इस वाली वीडियो में, देखो स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं एक लेक्चर में कवर नहीं कर पाऊंगा। बस आज की वीडियो में आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि मार्केट में होता क्या है, मार्केट में किस प्रकार से जिनको आप बड़े प्लेयर्स कहते हो, जिनको आप कहते हो बिग प्लेयर जो आपके होते हैं, वो मार्केट में एक रिटेलर ट्रेडर को किस प्रकार से ट्रैप करते हैं और वो ट्रैपिंग मार्केट में किस प्रकार से होती है और उसकी पहचान क्या है, वो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं इस वाले पॉइंट पे आगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या समझना है, सबसे पहले हमारे समझने वाली बात ये, आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ कि मार्केट में जो बड़ा प्लेयर होता है वो मार्केट में रिटेलर को किस प्रकार से ट्रैप कर देता है और वो हर बार ट्रैप उनसे हो भी जाती है। अब वो किस प्रकार से होते हैं, इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट मनी कंसेप्ट। इसमें होता क्या है, आप सबको पता है कि मार्केट में बिग प्लेयर का ये गेम होता है, हमेशा बिग प्लेयर ही मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, बिग प्लेयर ही मार्केट को नीचे लेके आते हैं। आप जानते हो बिग प्लेयर होगा, बड़ा पैसा लगेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, बड़ा पैसा लगेगा तो मार्केट नीचे आएगा। अब इसमें किस प्रकार से मार्केट में काम होता है, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट हमारा किसी सपोर्ट पे आया है, हमारा मार्केट इस वाले सपोर्ट पे आया है, अब यहाँ पे बड़ा पैसा लगा है यानी कि यहाँ पे करोड़ों में इन्वेस्टमेंट हुई है, यहाँ पे लोगों ने अच्छी तरीके से बाई किया, जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पे बाइंग पोजिशन कर ली, वो यहाँ से बाइंग करके बैठे हैं, अब बाइंग करके मार्केट आपका ऊपर जाने लग गया, अब ये प्रॉफिट में चल रहे हैं, बाइंग करके आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, अब आपका मार्केट, अब इनको प्रॉफिट कम मिलेगा, भले ही इनके पोर्टफोलियो में भले ही इनको इनके उसमें इनको प्रॉफिट शो हो रहा होगा, भले ही इनको प्रॉफिट हो रहा है, बट ये उसको बुक कब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक इनको सामने इनको नहीं मिलेगा, अगर इन्होंने बाई करा है इनको प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल करना पड़ेगा, इनको प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल करना पड़ेगा, समझ रहे बात मेरी, अगर इन्होंने यहां से बाई कर रखा है इनको प्रॉफिट बुक करने के लिए इनको यहां से सेल करना पड़ेगा। अब यहां पे होता क्या है मार्केट में, अब जो रिटेलर ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे किस प्रकार से मार्केट में काम करते हैं, अब उनको देखो मार्केट हमारा यहाँ से बाइंग की पोजीशन में चल रहा है, लोगों ने यहाँ से पैसा लगा रखा है, मार्केट पहुंचा है रेजिस्टेंस पे, अब इनको पैसा कब तक नहीं मिलेगा, जब तक ये लोग उसको सेल नहीं करेंगे, अब इस सेल इसको को कब तक नहीं करेंगे, जब तक मार्केट आपको ये नहीं दिखा दे कि भैया जब तक सामने वाला बंदा आपको नहीं मिलेगा जो उसको यहाँ पे सेल करेगा, तो जब तक ये अपने प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस में मार्केट क्या करता है, अब भैया ये इन लोगों ने अपना पैसा लगा दिया है, अब बैठे हैं रिटेलर, वो इस इंतजार में बैठे हैं कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर की साइड जाएगा तो हम यहां से बाइंग करेंगे, तो हम यहां से बाइंग करेंगे, ठीक है। वो इस इंतजार में बैठे हैं, मार्केट आपको दिखाएगा कि मैं इसका ब्रेकआउट दे रहा हूं, तो वो यहां पे बुलाता है रिटेलर को, और जो लोग यहां से लेके यहां तक जो लोग बड़ा पैसा लगा बैठे हैं वो अपना प्रॉफिट को बुक करना कर देते हैं स्टार्ट, और मार्केट उसकी वजह से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। यानी कि अब समझो, अब आपको समझाऊं अच्छे तरीके से, यहां हमारे बैठे हैं रिटेलर और यहां हमारे बैठे हैं बिग प्लेयर, बिग प्लेयरों ने अपना पैसा यहां से लगाना शुरू किया, यहां तक लेके गया, यहां मार्केट में एक रेजिस्टेंस था, इसका यहां पे हुआ है ब्रेकआउट, अब ब्रेकआउट ये हुआ नहीं है, अब इन लोगों ने जिन लोगों ने यहां से बाइंग कर रखी है उनको पैसा बुक करने के लिए सेल करना पड़ेगा, अब उनको सेलर सामने से मिल नहीं रहा है यानी कि सामने मार्केट में पैसा नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे आपको इस वाले ब्रेकआउट पे बुलाएगा, जो रिटेलर बैठे हैं वो इनको यहाँ पे बुलाएगा कि मार्केट ब्रेकआउट देकर जा रहा है, वो लोग बाग यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बट उसके बाद नेक्स्ट पल में क्या होता है कि मार्केट यहाँ से, अब जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग कर रखी है उन लोगों को मिल गया रिटेलर, रिटेलर को पैसा यहाँ पे आ गया, अब जैसे ही अपने प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट करते हैं मार्केट यहाँ से नीचे करना शुरू हो जाता है, और रिटेलर्स का जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए ब्रेकआउट पे, जो इनको यहाँ पे बुलाया है इनको ट्रैप करा है, वो पैसा इनको जिन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग कर रखा है उनको मिल जाता है। मार्केट में कभी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट अपना खुद का पैसा दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ये रिटेलर के पैसे को बड़े लोगों की जेब में डाल रहा है, ये रिटेलर के पैसे को बिग लोगों की, बिग प्लेयर हमारी उनकी जेब में डाल रहा है। अब डाल कैसे रहा है, जस्ट अभी मैंने आपको समझाया कि भाई मार्केट में किस प्रकार से काम होता है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ उस चीज का तो आप इसको ध्यान से देना और ध्यान समझना, मैं आपको अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ, देखो मार्केट में हमारा ये अभी जल्दी का दिन है, हाँ 24 तारीख की बात है, हमारा यहाँ पे एक लेवल था भैया जी, हमारा लेवल है यहाँ पे 44,900 का,
हमारा ये लेवल है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ से बाई कर दिया, अब वो लोगों को भैया उनको इतना बड़ा मोमेंटम मिल चुका है, अब ये लोग कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे अपना, ठीक है। अब इनको प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल करना पड़ेगा, अब इनको सेलर मिल नहीं रहा है, मतलब कि सामने से उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है कि ये अपने प्रॉफिट को बुक कर ले। अब यहाँ पे क्या करेगा ऑपरेटर आपका? ऑपरेटर यहाँ पे ये करेगा, जो लोग यहाँ पे अब जो लोग बैठे हैं, जो लोग आपके रिटेलर हैं, जो कि यानी कि हम लोग होते हैं, उन लोगों को ये दिखाएगा कि भैया मार्केट में आपका 44,900 का ब्रेकआउट हो रहा है, और यहाँ पे इस प्रकार से ब्रेकआउट शो भी कर देगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे यानी कि रिटेलरों ने अपना पैसा यहाँ पे कर दिया इन्वेस्टमेंट, उनको लगा कि ब्रेकआउट हुआ, उन लोगों ने यहाँ पर अपना पैसा लगा दिया और ये मार्केट में नया पैसा आया है। अब ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करना कर देते स्टार्ट। अब ये प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट करेंगे, रिटेलर का जो पैसा यहाँ पे लगा है वो तुरंत इन बिग प्लेयर्स की, जो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम आया है, ये जो मोमेंटम का पैसा मिलेगा वो रिटेलर्स का ही पैसा होता है जो बिग प्लेयर्स को मिलता है मार्केट के अंदर आके, और मार्केट इस प्रकार से ऑपरेटर ट्रैप करता है लोगों को। तो खैर खैर क्या करेगा वो, यहाँ पे मार्केट में रिटेलर को ट्रैप करता है और बड़े प्लेयर्स की जेब में पैसा डालता है इस प्रकार से। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं इस लेक्चर को खींचना चाहूँ मैं इस लेक्चर को 4 घंटे का खींचूंगा, ये एक लेक्चर में 10-15 मिनट की वीडियो में नहीं होने वाला है और वो चीज आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, ठीक है, वो चीज आपके लिए बोरिंग हो जाएगी। अभी बस आप इसमें इतना समझो कि मार्केट में होता क्या है, इस प्रकार से मार्केट में बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को ट्रैप करते हैं। अब इसको भी क्रैक करने की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, बहुत सारी चीजें, हमने कैसे काम करना है कैसे काम नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, आपको सिखाऊंगा भी। अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है। अगर आपने मुझसे कॉन्टेक्ट करना है, मुझसे बात करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे दी हुई है, तो आप यहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। अभी आपको भैया यहाँ पे समझने वाली बात ये निकल के आ रही है कि मार्केट में स्मार्ट मनी कंसेप्ट इस प्रकार से होता है कि वो मनी को ऐसे यूज करते हैं कि भैया वो हम लोगों को ट्रैप करते हैं। अब वो क्या करते हैं, वैसे जो वो चीज कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हो, बट हमने यहाँ पे उन चीजों को क्रैक करके करना है। भाई मार्केट में एक ये पैटर्न बन रहा है, इसको दुनिया देख रही है, सबको पता है कि आप कैसे यहाँ है, मार्केट में ये पैटर्न बन रहा है इसको दुनिया देख रही है, सबको पता है कि आप कैसे यहाँ है, सबको पता है क्या हो रहा है। अब इनको भी क्रैक करने की कुछ चीजें होती है मार्केट में, किस प्रकार से होती है वो मैं आपको आने वाले टाइम में कभी बताऊंगा। आप मैं टेलीग्राम पर जुड़ जाओ तो आपको शायद वहां पर समझ में आ जाएगा कि मार्केट में किस प्रकार से काम करते हैं, मैं वहां पर आपको लाइव अपडेट देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे 2 वर्ड आते हैं जो वो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भैया आपका, BOS, BOS। अब इसका मतलब क्या है, ये यूज करते हैं यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, प्राइजेक्शन बिल्ड करके जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, अगर आप इसको दूर से देखोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्म दिख रहा है। अब इस पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाला कैसे काम करता है, अब भैया मार्केट में यहां से ऊपर चलना शुरू हुआ था, यहां लगा एक रेजिस्टेंस उसका, अब जैसे ये ब्रेकआउट होगा वो इस पे काम करने की कोशिश करेगा, वो इस ब्रेकआउट में बाइंग करेगा, उसको मोमेंटम मिलेगा। अब ये क्या हुआ, इस लाइन ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को किया है ब्रेक, तो हम इसको कह रहे हैं कि BOS, यानी कि यहां पे स्ट्रक्चर था, यहां एक रेजिस्टेंस था, ब्रेक हुआ, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और इस पे यहां पे काम हुआ। यही चीज हम कर रहे हैं, हम इसको मानते हैं भैया अपना रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट होगा, हम काम करेंगे, बट उनकी थ्योरी अलग है काम करने की और हमारी थ्योरी अलग है, तो वही हम यहाँ पे ट्रैप होते हैं, तो वही हम यहाँ पे ट्रैप होते हैं। अब आपकी दूसरी चीज यहाँ पे मार्केट में एक और आती है, यहाँ पे आपका एक और है भैया CO C। अब ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, और ये ऐसे यहाँ पे हमारा, ये हमारा है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये कैसे है, अब मार्केट देखो इसको मैं क्या कह रहा हूं, मार्केट जा रहा है, ये हमारा बन रहा है स्ट्रक्चर, अब यहां से बन रहा है ट्रेंड लाइन। अब इसका हुआ ब्रेकडाउन, यानी कि मार्केट पहले अप मोमेंटम में था, स्ट्रक्चर अप मोमेंटम का था यहां से, बट अब हमारा स्ट्रक्चर डाउन साइड हो गया है, तो वो इस ब्रेकडाउन पे काम करेगा। इस ब्रेकडाउन पे काम हम भी कर रहे हैं और वो भी कर रहा है, बट उसकी थ्योरी यहाँ पे अलग है, हमारी थ्योरी यहाँ पे अलग है, तभी मार्केट लोगों को ट्रैप करता है और सारे चीजें मार्केट आपको इसी प्रकार से यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। इस वीडियो में आपको इतना जाना है कि मार्केट में SMC क्या होता है, ये आजकल मार्केट में बहुत आ रहा है, इतनी बड़ी कुछ हो रही नहीं है, ये इसको लेके आपने कोई लाखों के पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, ना ही कुछ करना है कि भैया जी आप हम ये सीखेंगे, हमको इसको प्रॉफिट होने लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना कुछ हो जाएगा, इस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कर देना कि कोई आपको कोर्स देख रहा हो उसका, आप उसको ज्वाइन करने जा रहे हो, ठीक है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, आप खुद सोचो। अब भैया एक एग्जांपल है, ACC का सीमेंट है, ACC का स्टॉक हमारा, अब हमने देखा
कि भैया मार्केट में कुछ बिग जो प्लेयर होते हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं, उनके पास पहले ही न्यूज आ जाती है कि भैया ये स्टॉक आपका ऊपर निकल गया है और आपका निकलेगा, वो इसको यहां से लेके यहां तक आ भी चुके होंगे, उनके पास पहले ही पता है, वो आ चुके हैं। आप लोग सोचोगे कि ये स्टॉक बहुत अच्छी मूवमेंटम में जा रहा है, इसका पिछला ट्रेंड बहुत अच्छा जा रहा है, तो क्यों ना मैं इसके ब्रेकआउट पे बाइंग कर लूं, क्योंकि अब ट्रेंड चला हुआ है। अब वो क्या करेगा, जिन्होंने यहां से बाई करा है उन्होंने, उनको भैया प्रॉफिट बुक करने के लिए, भले ही उनके प्रॉफिट उनके पोर्टफोलियो में सो रहा हो 1 लाख 2 लाख 2 करोड़ 50 करोड़, बट उन्होंने अभी तक बुक नहीं किया है, और वो उसको बुक कब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक यहाँ पे और नए प्लेयर आप यहाँ पे ऐड नहीं होते हैं। यहाँ पे ऐड वन होता है आपका, होता है रिटेलर, क्योंकि बड़े प्लेयर तो मार्केट में यहाँ से बाइंग करके पहले ही बैठ चुके हैं, यहाँ के होंगे रिटेलर, रिटेलरों का पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, और ये इन लोगों की प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट होगा, और मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, रिटेलरों को करेगा ट्रैप, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट देगा, फिर मार्केट आपको मूवमेंट दिखाता है। इसको कहते हैं एसएल हंटिंग, और ट्रैप किस प्रकार से करता है ऑपरेटर आपको, शायद आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोग मेरे साथ नए जुड़े हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे मैं आपको दिन भर मार्केट में लेवल्स प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो मैं इस चीज को लेके आपको और आगे और कंसेप्ट को लेके वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी इसमें मैंने आपको एक छोटी सी चीज झलक दिखाई है, बाकी आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट्स के साथ, तब तक के लिए आपसे बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।